It's really good. What do you enjoy the most? I mean, I think it's just Rajkumar Hirani is the one who brings the comedy to anything, and Shah Rukh Khan is the one who brings the audience. He's a master of emotions. What? I mean, I think it was just, I was texting my friends this. Rajkumar Hirani is a very unique directing style, right? He brings a lot of comedy. And at the end, what best enjoy the enjoy? I'm sorry? What do you enjoy the most in the film? Everything. The whole concept, the story, the acting, everything. 515. Immigration ko leke baat ki ja rahi hai, kya lagta hai? I think ये issue है जो हम consider नहीं करते हैं. Everything we think एक side का story देखते हैं, दूसरे side नहीं देखते. I think it is covered very nicely in this movie. It's a must watch. What do you have to say about Rajkumar Hirani? He's a master of emotions. He definitely is. Definitely, he's captured each and every emotion in this movie. What's your rating out of 5? 5/5. और कल सलार release होने वाले, क्या लगता है film उसके सामने टिक पाएगी या नहीं पाएगी? वो तो कल ही पता चलेगा. अच्छी थी क्या मैडम? गुड. क्या बेस्ट एंजॉय किया आपने फिल्म में? शाहरुख खान. इमिग्रेशन के लिए बात करी जा रही है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? या इट्स अ नाइस कंसर्न एंड इशू. स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लोर किया है राजकुमार हिरानी ने. इमोशंस के बारे में बात करते हैं, इमोशंस कैसे फिल्म में डाले उन्होंने? हाँ, कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है. एट द सेम टाइम रोमांस एज द किंग ऑफ बॉलीवुड इज देयर. Movies overall awesome. क्या लगता है गए पिछले दो फिल्मों के हिसाब से 1000 करोड़ कमा पाएगी फिल्म? या डेफिनेटली. व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 5/5. थैंक यू. जी का शो तो ऑसम है, बट हम लोग दो दिन से जाग रहे हैं. इतने एक्साइटेड हम लोग मूवी देखने के लिए. एक्चुअली में ये स्टोरी एकदम डिफरेंट सी. क्यों? क्योंकि फैमिली देख सकती है, सब लोग देख सकते हैं. जो पठान जवान से सुपर है स्टोरीज, ड्रीम पूरे करने के लिए सर के एंड देन तापसी ने एंड देन विकी कौशल ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बट जो इंडिया में रह के कर सकते हो बाहर जाके नहीं कर सकते. बेस्ट फिल्म का जो सब्जेक्ट जिसको कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है, वो कैसे एग्जीक्यूट किया राजकुमार? देखो, अपने ड्रीम 25 साल उन्होंने दिए, लेकिन आए तो इंडिया में ना. अगर वही चीज़ यहाँ पे मेहनत करते तो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं. जब शाहरुख खान ने दिल्ली से आके यहाँ पे अपना कैरियर बनाया तो बाहर जाके कुछ मतलब नहीं है. अपनी फैमिली अपने दिल में रहती है तो ऐसा करके यहाँ रहते हैं. राजकुमार हिरानी के बारे में क्या ख्याल है? संजू ने ट्रेंड सेट कर दिया था. डंकी का क्या चांस लग रहा है? डंकी का चांस, देखो SRK के डायलॉग्स एंड स्टोरीज एंड सुपर है. एंड देन जो वो डायरेक्टर तो है ऑसम. अगर SRK हो या तापसी हो चाहे कैटरीना हो, किससे वो कुछ भी करवा सकते हैं. वो डायरेक्टर है, क्योंकि उनको चीज़ आती है निखारना. एक इंसान को निखारना किसको बोलते हैं, वो सर से पूछिए. और गए पिछले दो फिल्में SRK के लिए बहुत अच्छी रही है, 1000 करोड़ की कमाई लगभग. डंकी मतलब 100% कमाएगी. 100% प्रभास अपनी जगह, SRK अपनी जगह है. कोई किसी की जगह नहीं ले सकता. What's your best wishes for the entire film and casting crew? And what's your rating out of 5? 5/5. Thank you, ma'am. Thank you so much.